हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में। तो चलिए आज हम देखेंगे लुप्तीकरण या विलोपन विधि। लुप्तीकरण विधि का ही दूसरा नाम है विलोपन विधि। अब देखिए, लुप्तीकरण कहने का मतलब हुआ कि यानी हमको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो लुप्तीकरण कहने का मतलब हुआ कि हम इसमें से किसी एक टर्म को, या तो एक्स वाला या वाई वाला को, हमको क्या करना है, लुप्त कर देना यानी हटा देना है। या तो आप एक्स वाला को लुप्त कीजिए या वाई वाला को लुप्त कीजिए, यानी किसी एक को हमको लुप्त करना है। लुप्त करने का मतलब यानी हटा देना है। तो चलिए, तो हटाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा समीकरण एक है, इसको मान लेते हैं समीकरण एक और इसको मान लेते हैं समीकरण दो। ये हो गया हमारा समीकरण एक आपका, और नीचे वाला हो गया आपका समीकरण दो। तो हमको मान लीजिए एक्स वाला को हटाना है। तो एक्स वाला को हटाना है तो हम देखेंगे पहले के समीकरण में, यानी जो पहला समीकरण है उसमें एक्स कितना है, यानी आठ एक्स है, और दूसरे समीकरण में कितना है, थ्री एक्स है। तो हमको एक्स को हटाना है तो हम क्या करेंगे, यानी फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण में दोनों का मान हम क्या करेंगे, बराबर ही करना पड़ेगा। यानी जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ भी करना है। तो हम इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आठ एक्स है और ये तीन एक्स है, तो हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है आपस में। तो ये दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें हम कितना से गुना कर दें और इसमें कितना से गुना कर दें कि आपका x वाला दोनों आपका बराबर हो जाए। तो उसको बराबर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, यहाँ x का गुणांक तीन है तो इसमें हम तीन से गुना कर देंगे, और यहाँ पे x का गुणांक आठ है तो इसमें हम आठ से कर देंगे गुना। यानी फर्स्ट समीकरण में तीन से कर दिए और सेकेंड समीकरण में आठ से कर दिए। अब गुना कीजिए, लिखिए समीकरण एक गुने तीन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों प्लस का चिन्ह रहेगा, यानी दोनों अगर सेम चिन्ह रहता है, जैसे हम बताते हैं अगर प्लस प्लस यानी चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, हमको घटा देना है। यानी अगर सेम चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे, जैसे प्लस प्लस हो गया तो भी घटाएंगे, अगर माइनस माइनस होगा तब भी क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह, यानी ये आठ एक्स है इसका चिन्ह प्लस है, और ये थ्री एक्स है इसका चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। तो जब चिन्ह बराबर रहेगा हम इसी को कटा रहे हैं, यानी जिसको कटाएंगे उसका चिन्ह देखेंगे बराबर है तो क्या करेंगे, इसमें हम घटा देंगे समीकरण दो गुने कितना आठ से। तो क्या होगा, यानी समीकरण एक गुने तीन घटाओ दो गुने आठ से, यानी इसका चिन्ह प्लस प्लस था तो क्या ये घटा दिए, अगर माइनस माइनस रहता तो फिर भी घटा देते। तो देखिए यानी लिख दिए, अब इसमें तीन से गुना कीजिए, समीकरण एक में तीन से गुना करेंगे तो आठ थ्री का चौबीस एक्स प्लस, फिर तीन से करेंगे तो पाँच तिहाई पंद्रह वाई बराबर, इसमें गुना कीजिए नौ त्रिका सताईस, और फिर दूसर का समीकरण में आठ से करेंगे तो आठ त्रिका चौबीस एक्स प्लस, इसमें करेंगे तो आठ दुना सोलह वाई बराबर आठ चौका बत्तीस। हम क्या करें, घटा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो घटाओं जब करते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा चिन्ह चेंजिंग होता है, घटाओं में चिन्ह चेंजिंग होगा, और जोड़ अगर जोड़ेंगे उसको तो क्या होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, जो रहेगा वही होगा। लेकिन यहाँ पे हम घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह को चेंजिंग करेंगे, इसका चिन्ह क्या है प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, जब भी चिन्ह देखते हैं तो नीचे वाला का देखते हैं, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला से मतलब है, प्लस है तो माइनस। अब इसमें देखिए कट कौन रहा है, ये प्लस में चौबीस एक्स हो गया और ये माइनस में हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, घट करके जीरो हो जाएगा यानी खत्म हो गया। अब देखिए ये प्लस में पंद्रह वाई माइनस में सोलह वाई, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसमें से ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी माइनस सोलह वाई में से प्लस पंद्रह वाई घट जाएगा तो माइनस वाई बराबर। अब देखिए ये प्लस में सत्ताईस हो गया और ये माइनस में बत्तीस हो गया, नीचे वाला चिन्ह देखेंगे जब चेंजिंग करेंगे तो सत्ताईस हो गया ये प्लस में ये माइनस में बत्तीस, तो इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी सत्ताईस बत्तीस में से सत्ताईस घटेगा तो कितना माइनस पाँच, इसका चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस दिया, यानी इसमें से इसको घटा दिया, ये भी माइनस तो माइनस माइनस कट गया, इसलिए वाई का मान हमारा कितना आ गया पाँच आ गया। अब आप जानते हैं कि ये गो वाई का मान आ गया तो हम क्या करेंगे, ये वाई का मान समीकरण एक में या समीकरण दो में रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, जो भी हल्का समीकरण रहेगा उसमें रख देना है। तो वाई का मान समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक कितना है आठ एक्स प्लस पाँच वाई बराबर नौ। अब देखिए इसमें रखिए वाई का मान पाँच है तो आठ एक्स प्लस पाँच गुने वाई के जगह रख देना है पाँच, यानी वाई का मान पाँच है तो वाई के जगह पाँच बराबर नौ। ये हो गया कितना आठ एक्स प्लस पाँच पचे पच्चीस बराबर नौ।
फिर हो जाएगा 8x बराबर 9, और ये अचर है, ये भी अचर है, तो इसको घटा देंगे तो इधर जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में, तो 8x बराबर हो जाएगा 9 में से 25 घटेगा कितना, यानी ई प्लस में है ई माइनस में है, तो इसमें से ही घटेगा तो माइनस 16। अब हम x निकालेंगे तो माइनस 16 और ये बट्टा में आ जाएगा 8, यानी 8 दूना 16, यानी इसलिए x बराबर कितना आ गया माइनस 2, माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस 2। अब लास्ट में लिख देना है, अतः x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5, यानी जो x का मान आया उसको लिख दिए और जो y का मान आया उसको लिख दिए। तो क्या हो गया हमारा ये लुप्तिकरण विधि, यानी अगर ये लुप्तिकरण विधि से बन गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका प्लस प्लस था तो आप क्या किए हैं, घटाए हैं, माइनस माइनस रहता तब भी घटाते हैं। अगर वही अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस रहता है माइनस रहेगा तब उसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसको बताते हैं उस टाइप पर क्वेश्चन। तो चलिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपका दोनों प्लस प्लस था और इसमें हम एक दिए हैं प्लस में और एक माइनस में। इसके पहले वाला में हम एक्स वाला को कटाए थे लेकिन इसमें हम वाई को कटाएंगे, यानी इसमें दोनों में प्लस है तो प्लस वाला तो बता ही दिए, लेकिन माइनस वाला को अगर मान लीजिए कटाना होगा वाई वाला को तो किस तरह कटाएंगे। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें भी मान लेंगे समीकरण एक और समीकरण दो, ये हो गया समीकरण एक और ये हो गया समीकरण दो, समीकरण एक सही, समीकरण एक और समीकरण दो। अब देखिए यहाँ पे है आपका 4y और यहाँ पे है माइनस 2y, तो बोलिए हम इसको बराबर, यानी ये दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी ये तो 4y है, अगर हम इसके बराबर करते हैं तो इसमें कितना से गुना कर दें, दो से गुना कर देंगे तो ये भी 4y हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे समीकरण दो में, दो से इसमें तो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मन है तो आप एक से कर सकते हैं, एक से गुना कीजिएगा कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण एक गुने एक। अब देखिए यहाँ पे इसमें प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का, हमको कटाना है इसको, इसलिए हम इसको जिसको कटाना रहेगा उसी का चिन्ह देखेंगे, तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में है। तो अब प्लस माइनस यानी जब विपरीत चिन्ह है तो हम क्या, हम अभी इसके यानी बताए हैं उसमें कि क्या है, अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे उसमें जोड़ेंगे, अगर बराबर चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो ये विपरीत चिन्ह है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसलिए क्या करेंगे जोड़ेंगे समीकरण दो गुने कितना दो से, यानी समीकरण एक में हम एक से गुना किए हैं या नहीं भी लिख सकते हैं तो लिख दिए, इसका चिन्ह विपरीत है यानी एक में प्लस है एक में माइनस है तो क्या किए जोड़ दिए, यानी विपरीत चिन्ह है तो, और समीकरण दो में दो से गुना किए हैं तो दो से गुना करके लिख दिए। अब हम गुना करते हैं तो एक से गुना करेंगे समीकरण एक में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण दो में कितना से कर रहे हैं दो से, तो दो दूना 4x माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर दूसरे इसमें करेंगे तो 4y बराबर 2 दूना 4। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जोड़ का काम कर रहे हैं, तो जोड़ में आपका कोई चिन्ह चेंजिंग नहीं रहेगा, कोई चिन्ह चेंजिंग नहीं होगा, यानी यहाँ पे जो है वही रहेगा। अब ये नहीं कि हम यहाँ पे चिन्ह चेंजिंग करेंगे, वो घटाव में करेंगे, लेकिन ये जोड़ है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या है आपका, ये प्लस में हो गया ये माइनस में हो गया, यानी कटने वाला है तो ये घट जाएगा 4y में से 4y, तो ये ख़त्म जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं क्या है, यहाँ पे जुटने वाला है यानी घटने वाला नहीं है, तो 4x और 3x कितना हो गया 7x बराबर 10 4 14। अब हम x निकालेंगे तो 14 और ये जाएगा बट्टा में तो 7 7 दूना 14, यानी इसलिए x बराबर कितना आ गया 2। अब एक मान आ गया x का, तो अब क्या करेंगे x का मान समीकरण एक में या समीकरण दो में रख देंगे तो आ जाएगा y का मान। लिखिए x का मान समीकरण एक में रखने पर, यानी जो हल्का समीकरण रहेगा उसमें रख देंगे, समीकरण एक है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, तो मान रखिए 3x की जगह रखना है आपको 2, तो 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ हमको y का निकालना है तो y वाला को रख लिए बराबर 10 और ये जाएगा उधर, तो प्लस में है तो माइनस 6, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया 4। अगर हम y निकालते हैं तो 4 और ये बट्टा में चल जाएगा 4, यानी 4 एकम 4, यानी इसलिए y का मान कितना गया हमारा 1। तो x का मान पता चल गया और y का मान पता चल गया, तो अब लास्ट में लिख देना है, अतः x बराबर 2 है आपका, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो y बराबर 1, तो यही हमारा हो गया आंसर। चलिए अब इसका अगला विधि है उसको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा।